फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। दिवाली 5 दिनों का त्यौहार है। इसमें पहला दिन धन्वंतरी दिवस के रूप में मनाया जाता है। धन्वंतरी जी ने स्वस्थ रहने के लिए अनगिनत खोज की और सुझाया कि कैसे स्वस्थ रहा जाए। कहा जाता है कि जल ही जीवन है, लेकिन कैसा जल? आज के पूरे वीडियो में इस पावन पर्व पर यही बात करते हैं कि जो हम पानी पी रहे हैं, क्या वास्तव में वो ठीक है या फिर उसकी गुणवत्ता उतनी नहीं है जितनी कि स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी है। तो आज के पूरे वीडियो में यही बात करते हैं कि पानी का TDS कितना रहे और किस तरह से बीमारियों से बचा जाए। तो एक बार फिर से आप सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएँ और स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए, जो TDS है उसका फुल फॉर्म क्या है? टोटल डिजॉल्व सॉलिड, ना? टोटल डिजॉल्व सॉलिड। तो ये जो टोटल डिजॉल्व सॉलिड है ना, जो हम लोग पानी पीते हैं, तो उसमें थोड़ी मात्रा में मिनरल डिजॉल्व होते हैं और वो मिनरल हम लोगों के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी हैं। आज की डेट में जो हम लोग पानी पी रहे हैं उसका स्टैंडर्ड क्वालिटी कितनी होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए, इस बात पर डिपेंड करता है कि TDS कितना है। देखिए, TDS का फुल फॉर्म है टोटल डिजॉल्व सॉलिड, यानी जो हम लोग पानी पी रहे हैं उसमें कितना मिनरल साल्ट आयंस डिजॉल्व हैं। तो खास बात कि जो टोटल डिजॉल्व साल्ट मिनरल हैं वो सब उसमें से अधिकतर फ़ायदेमंद हैं, लेकिन कुछ नुकसानदेह भी होते हैं। तो टोटल डिजॉल्व सॉलिड में अगर बात किया जाए तो WHO के अनुसार स्वस्थ रहने के लिए नॉर्मल TDS की मात्रा 300 मिलीग्राम पर लीटर के आसपास हो तो मेटाबॉलिज्म एक्सेलेंट होगी और आप स्वस्थ रहेंगे। तो WHO का रिकमेंडेशन है कि स्वस्थ रहने के लिए जो नॉर्मल TDS है उसकी मात्रा 300 के आसपास होनी चाहिए। अगर आप 300 से कम कर देंगे ना, तो उसमें डिजॉल्व कंपोनेंट्स कम हो जाएंगे। TDS को बनाने वाले डिजॉल्व कंपोनेंट में प्रमुख रूप से कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड, जिंक, यही सब होते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, देखिए जितने भी कंपोनेंट्स हैं लिखे यहाँ पे, सब बॉडी के लिए एकदम क्रूशियल हैं। मेटाबॉलिज्म ठीक से चले इसके लिए ज़रूरी है कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब नियंत्रित मात्रा में रहें। ये सभी पदार्थ शरीर की मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। यदि 300 मिलीग्राम पर लीटर से कम TDS पर शरीर की कार्य क्षमता को कम कर सकता है, यानी अगर आपने TDS 300 से काफ़ी कम कर दिया, 50-100 TDS पर रखा, तो 50-100 TDS पर रखने से ये सब कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, जिंक जो बॉडी के लिए एकदम ज़रूरी हैं वो सब नहीं मिलेंगे। जब नहीं मिलेंगे तो भी बीमारियाँ उत्पन्न होंगी ना। तो जो ड्रिंकिंग वाटर है उसका TDS 300 के आसपास रखें, उसमें बॉडी को वो सब कंपोनेंट मिलते रहेंगे जो बॉडी के लिए ज़रूरी है। रिकमेंडेशंस WHO का है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है। तो अब देखिए, कैल्शियम का काम क्या है? कैल्शियम इज वेरी इसेंशियल इन मसल कंट्रैक्शन, ऊ साइट्स एक्टिवेशन, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बोन, टीथ, ब्लड क्लॉटिंग, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट एंड फ्लूइड बैलेंस विद इन सेल। तो इतने काम हैं कैल्शियम के। अगर आप TDS कम करके कैल्शियम को अगर बाहर निकाल देंगे, या फिर बिना कैल्शियम वाला पानी पिएंगे, या फिर लो TDS वाला पानी पिएंगे, तो कैसे मिलेगा? सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द ह्यूमन बॉडी। एलॉन्ग विथ सोडियम इट रेगुलेट द वाटर बैलेंस एंड द एसिड बेस बैलेंस इन द ब्लड एंड टिश्यू। सोडियम पोटेशियम इन्वॉल्व इन नर्व कंडक्शन। तो जो सूचनाएं शरीर में इम्पल्स एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं उसके लिए भी रोल कंट्रीब्यूट करता है सोडियम और पोटेशियम। तो सोडियम पोटेशियम भी ज़रूरी है, कैल्शियम भी ज़रूरी है। अब देखिए, मैग्नीशियम इज ए को फैक्टर फॉर मोर देन 300 एंजाइम। 300 एंजाइम के लिए को फैक्टर है मैग्नीशियम। दैट रेगुलेट डाइवर्स बायोकेमिकल रिएक्शन इन द बॉडी इंक्लूडिंग प्रोटीन सिंथेसिस, मसल्स एंड नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन। तो मैग्नीशियम भी कितना ज़रूरी है। तो सोचिए, मैग्नीशियम,
सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, अगर इन सबको आप टीडीएस कम करके अगर बाहर निकालते रहेंगे तो इनकी जो ज़रूरत है शरीर को कैसे पूरी होगी। जिंक भी एकदम इसेंशियल कंपोनेंट है ना। देखिए, जिंक इज फाउंड इन द सेल थ्रू आउट द बॉडी। इट नीडेड फॉर द बॉडीज डिफेंसिव इम्यून सिस्टम टू प्रॉपरली वर्क। या जो डिफेंसिव सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, ठीक से काम करे उसके लिए ज़रूरी है जिंक। इट प्ले ए रोल इन द सेल डिविजन, सेल ग्रोथ, वुंड हीलिंग एंड ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो जिंक के इतने काम हैं। तो इस तरह से टी डी एस 300 के आसपास होना चाहिए। ध्यान रखें, पहले बताए गए केमिकल्स के अलावा यदि पानी में आर्सेनिक है, कैडमियम है, मरकरी है, लेड है, मेटल नाइट्रेट हैं, तो इस शरीर को में सीरियस बीमारियां उत्पन्न करते हैं। तो इस तरह से जो हाई टी डी एस वाले हैं वो लोग पानी चेक करवाएं, जिनके यहाँ का भी टी डी एस काफ़ी ज़्यादा हो, कहीं उसमें आर्सेनिक, कैडमियम, मरकरी की पॉइजनिंग तो नहीं है, क्योंकि ये सब बहुत सीरियस डिजीज उत्पन्न करते हैं। तो देखिए, जो पहले केमिकल्स बताए गए हैं वो काम के लिए हैं, बॉडी के लिए हेल्दी हैं, लेकिन ये सब जो केमिकल अभी ये बताए जा रहे हैं, जैसे आर्सेनिक है और मरकरी है, कैडमियम, ये सब बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो देखिए, आर्सेनिक पॉइजनिंग सिम्टम्स इंक्लूड एब्डोमिनल पेन, डायरिया, वोमिटिंग, डार्क यूरिन, डिहाइड्रेशन, वर्टिगो, डिलेरियम, डिक्रीज बोन डेंसिटी इंक्लूडिंग मसल स्पाज्म, ठीक है, वीकनेस। तो इतना ये सब नुकसान पहुंचाते हैं आर्सेनिक। और आर्सेनिक वहाँ के वाटर में ज़्यादा पाया जाता है, जो नदी के किनारे लोग रहते हैं, नदी के किनारे वाले बेल्ट में। अब देखिए, मरकरी के पॉइजनिंग से मिनीमाटा डिजीज होती है। मिनीमाटा डिजीज इज़ द मेथिल मरकरी पॉइजनिंग दैट आकर्स इन ह्यूमन हु इंजेस्टेड फिश, सेल फिश, ना, ऐसी मछलियाँ जैसे घोंघा होंगे जो यूक खाते हैं, या फिर जो मछलियाँ खूब ज़्यादा खाते हैं, उनमें संभावना है कि मरकरी की पॉइजनिंग हो जाए। और मरकरी की पॉइजनिंग भी सीरियस होती है, पूरी बोन की व्यवस्था को डैमेज कर देती है। तो इस तरह से देखिए, आर्सेनिक, मरकरी, ना, लेड, ये सब काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। देखिए, कैडमियम है, इटाइटाई डिजीज वाज द नेम गिवन टू द मास कैडमियम पॉइजनिंग ऑफ टोयमा परफेक्चर जापान स्टार्टिंग अराउंड, यानी वहाँ से जापान से स्टार्ट हुआ और इस तरह से पूरी दुनिया को अफेक्ट कर रहा है। फर्स्ट टाइम जापान खोजा गया। तो इस तरह से देख रहे हैं कि जो टी डी एस है वो नॉर्मल रखना ज़रूरी है, ताकि मिनरल कंपोनेंट मिलते रहें और टी डी एस खूब ज़्यादा भी न रहे, ताकि पॉइजनिंग भी न होती रहे। तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी, थैंक यू, धन्यवाद।